आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में कि आप अपने सफ़ेद बालों को ब्लैक कैसे कर सकते हैं नेचुरली। तो नेचुरली जो हमारे सफ़ेद बाल होते हैं वो दो वजूहात की वजह से होते हैं। पहली वजह तो ये होता है कि नॉर्मल एजिंग जो होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, हमारे बालों की जड़ों के अंदर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका हल ये होता है कि एक इंजाइम होता है कैटलेज के नाम से, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है वो तोड़ता है। तो ये इंजाइम कुछ खानों में भी पाया जाता है, तो आपने वो खाने जो है वो अपने डाइट में इस्तेमाल करने, जिसमें सबसे पहले जो है वो बीफ की कलेजी है वो आपने इस्तेमाल करनी है, और आपने जो है उसके साथ साथ पत्ता गोभी की जो फैमिली की जितनी भी सब्जियां हैं जैसे बंद गोभी, ब्रोकली, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जिन लोगों के बाल जो है वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अर्ली एज में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के तो इवन बच्चों के भी बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि उनके अंदर कॉपर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो कॉपर की कमी की वजह से होता है। कॉपर की कमी की वजह से होता ये है कि जो हमारे बालों को पिगमेंट देने वाली जो एक केमिकल होता है जो हमारे बालों का कलर बनाता है वो कॉपर की वजह से बन रहा होता है। तो अगर कॉपर की कमी होती है तो वो सही से नहीं बनता, जिसकी वजह से जो है बाल हमारे ग्रे हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसके लिए और उसके अलावा जो है कुछ और भी जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे आयरन हो गया या कैल्शियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके बाल जो हैं वो अर्ली बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएं। तो आप अपनी केमिकल जो आपकी कॉपर की कमी है उसको पूरा करने के लिए आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, कलेजी का इस्तेमाल करें, उसके अलावा मशरूम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें ताकि आपकी कॉपर की कमी पूरी हो सके। उसके अलावा अपना कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखें, अपने आयरन का इंटेक अच्छा रखें, इनकी कमी की वजह से भी जो है आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ दो एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, और ये आप इस्तेमाल करिएगा, इससे आपको जो है 100% रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली। तो उसमें सबसे पहले जो है आपने एक जो रेमेडी है जिससे आप अपने बालों को जो है ईजिली ब्लैक कर सकते हैं, तो उसमें आपने जो चीज़ें लेनी है, सबसे पहले आपने एक कप सरसों का तेल लेना है एक कढ़ाई के अंदर, और उसके अंदर आपने जो है वो दो टेबल स्पून ऑर्गेनिक मेहंदी के डालने हैं। मेहंदी आपने जो है कोशिश करनी है कि केमिकल वाली मेहंदी आपने यूज़ नहीं करनी, दो टेबल स्पून आपने जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो उसके अंदर ऐड करनी है। उसके अलावा आपने 7 से 8 आंवला लेने, और आपने वो आंवला जो है पीस के उसके अंदर डाल देने। आपने आंवला का पाउडर नहीं लेना क्योंकि उसके अंदर अक्सर मिलावट हुई हुई होती है, तो आपने जो आंवला होते हैं वही लेना है, साबुत आंवला, और उसको पीस के आपने उसके अंदर ऐड करना है। और फिर आपने जो है 1 टेबल स्पून मेथी दाना का लेना है, और वो भी आपने उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेना है। फिर आपने इस तेल को जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि ये तेल जो है वो ब्लैक हो जाए। तो फिर जब ये ब्लैक हो जाए तो फिर आपने इसको जो है 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर 24 घंटे के बाद आपने इस तेल को जो है वो एक ग्लास के जार में छान लें, और इसको आप 1 महीने तक ईजिली स्टोर कर सकते हैं, और ये आपने जो है अपने सफ़ेद बालों पर रेगुलरली इसको इस्तेमाल करना है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी जो रेमेडी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग रेमेडी है जिससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी रेमेडी के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें आपको कलौंजी का इस्तेमाल करना है। कलौंजी आपको 2 टेबल स्पून उसमें चाहिए। सबसे पहले कलौंजी को जो है आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर आपने उसका पाउडर बना लेना है। पहले उसको रोस्ट करके 2 टेबल स्पून कलौंजी को, फिर उसका पाउडर बना लें, फिर उसके अंदर आपने जो है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का ऐड करना है, और उसको अच्छे से पेस्ट बना लें। अगर पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको हल्का सा डाइल्यूट कर लें, और फिर आपने उसको जो है हल्के हल्के अपने सर पे जो है उससे मसाज करना है 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर आपने उसको पूरी रात के लिए लगा छोड़ देना है, और सुबह आपने वॉश कर लेना है। इसको आपने कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा।